शपथ ग्रहण से पहले उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब राजभवन में 45 मिनट तक चली। अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ राजभवन उद्धव ठाकरे पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहली बार ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 9 बजे उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, जानकारी बहुमत को लेकर और उसके साथ ही कल होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर दी गई है। तो 45 मिनट तक ये मुलाकात इस दौरान उद्धव ठाकरे और राज्यपाल के बीच चली। तो उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल से मुलाकात यहां पर की है और जैसे ही कल देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद तीनों ही दलों की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर सबकी सहमति उद्धव ठाकरे के नाम को लेकर बनी, जिसके बाद फौरन ही राज्यपाल की तरफ से आमंत्रित किया गया सरकार बनाने को लेकर और 7 दिन का वक्त यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 3 दिसंबर तक वक्त यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास जब उनको बहुमत साबित करना है। लेकिन उससे पहले कल शिवाजी पार्क में 6:40 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह है, जिसे भव्य रूप बनाने की कोशिश की जा रही है, भव्य तरीके से, जिसे सालों साल कोई भूल ना पाए ऐसा शपथ ग्रहण, क्योंकि पहली बार ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री बन रहा है।